एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू मेकअप वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं गुड वाइब्स का टोनर यूज करूंगी एंड नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइजर यूज करूंगी, पॉन्स का जेल मॉइस्चराइजर। फिर पे अच्छे से मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लूंगी। एंड आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो, मेरा मेकअप वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है एंड हैक भी प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरे फैमिली मेम्बर जल्दी जल्दी बढ़ते रहे। जैसे उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ग्लो वाला प्राइमर यूज़ करूँगी, जो बहुत फेस को अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। पूरे फेस पर अच्छे से मैं प्राइमर यूज़ कर लूँगी। एंड आप लोगों को कुछ किसी का भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँगी। एंड उसके बाद मैं मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, डॉट करके पूरे फेस पे लगा लूँगी एंड उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं वैसे ही वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड नेक पे कभी ना भूले अप्लाई करना फाउंडेशन एंड ईयर्स पे भी। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ करूँगी अपने हाई पॉइंट पे, जिससे मुझे हाइलाइटर वाला ग्लो मिले। एंड अभी मेरा बहुत सारे अच्छे से वीडियो आने वाले हैं कॉन्टेंट, तो आप लोग प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। पूरे कंसीलर को अच्छे से मैंने सेट कर लिया एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ब्लश, जो अभी मेरा फेवरेट बन चुका है। मुझे ब्लश यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है पिंकी पिंकी लुक के लिए। ये इनसाइड का ब्लश है, मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही अपने फेस पे लगा लूँगी एंड नेक्स्ट मैं उसे पाउडर की हेल्प से सेट करूँगी। ये लैकमे का पाउडर है। पहले मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो भी क्रीजेस उसे क्लीन कर लूँगी एंड उसे उसके बाद ब्रश की हेल्प से पाउडर से मैं अपने आईज के अराउंड इसे सेट कर लूँगी, क्योंकि वहाँ क्रीजेस ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। एंड अच्छे से पूरे फेस को पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। एंड ये मेरा साड़ी का लुक है गाइस, मैं साड़ी पहनी थी, एक्चुअली ये दीदी का साड़ी था। उसके बाद मैं आईब्रो को सेट करूँगी, ये बटन वाइल का आईब्रो पैलेट है। एंड ये मेरा आई शेडो का पैलेट है, देखिए कितने सारे कलर्स है। इसी से मैं आज अपना आई शेडो का लुक क्रिएट करूँगी। पहले एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से पहले मैं ऊपर अपने आई शेडो को क्रीज बना लूँगी, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड अच्छे से पहले मैं दोनों आईज पे अच्छे से येल्लो को मैंने पहले अप्लाई किया है एंड नेक्स्ट उसके बाद मैं जैसे मेरे ग्रीन साड़ी में ग्रीन को अप्लाई करूँगी। अपने इनर कॉर्नर में से लेके लास्ट कॉर्नर तक मैं इसे ग्रीन आई शेडो को अप्लाई करूँगी हल्के हल्के हाथों से एंड उसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। देखिए गाइस ग्लिटर ग्रीन कलर का बहुत मस्त, ऐसे मैं फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई, क्योंकि ब्रश से ज़्यादा फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है। देखिए उसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी मेबलिन का आईलाइनर, जिससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी अपने दोनों आईज पे। मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी, जैसे क्योंकि गाइस ग्लिटर आई शेडो में आईलाइनर जल्दी अप्लाई नहीं होता, इसीलिए इसे बहुत लाइटली करना होगा वरना आईलाइनर ख़राब हो सकता है। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड ग्रीन काजल, एक्चुअली मेरा साड़ी ग्रीन था तो मैं सोची मैं ग्रीन काजल यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने ग्रीन काजल यूज़ किया अपने आईज के आईलिड्स पे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मस्करा, जो अपने जो लेसेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, लॉन्ग बनाता है। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई वे का ब्लश, बहुत अच्छा ब्लश है गाइस, कोलर ब्लश है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करके एन वाई वे का हाईलाइटर, जो मुझे ग्लो प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छा हाईलाइटर है गाइस। एंड मैं अपने हाई आई पॉइंट पे अप्लाई करूँगी, वाओ। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लिप लाइनर, ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमेशा लिप लाइनर यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका लिपस्टिक स्मूथली अप्लाई हो जाए। तो मेरा लिप लाइनर यूज़ हो चुका है एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक है गाइस ये। अच्छे से पहले लिप्स पे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ड्रॉ कर ली हूँ लिप लाइनर से एंड मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। देखिए मेरा लिपस्टिक अप्लाई हो चुका है, बहुत अच्छा शेड था ये गाइस। एंड मेकअप को सेट करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, इसे दूर से अप्लाई करना चाहिए। एंड देखिए मेरा मेकअप डन हो चुका, मैं हेयर करके आती हूँ गाइस। देखिए मेरा फाइनल लुक था, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।
मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड ये मेरा फाइनल लुक था। आप लोगों को इसके बाद कैसा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी पहन के, एंड मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।